नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि महतारी बंधन योजना के लिए बैंक खाते का आधार से लिंक होना जरूरी है। यदि आपका आधार से बैंक लिंक नहीं है तो आपके अकाउंट में महतारी बंधन योजना का 1000 रुपये नहीं आएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि महतारी बंधन योजना अब 8 तारीख को नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा। पूरी जानकारी मैं A to Z इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि आपका बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग है या नहीं, कैसे चेक करना है, पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। आप भी स्वयं अपने मोबाइल से आधार सीडिंग देख सकते हैं, सिचुएशन देख सकते हैं, आधार से जो लिंक है बैंक अकाउंट ये है कि नहीं आप देख सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, तो दोस्तों पहले आपको अपने मोबाइल पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है, आप अपने मोबाइल का गूगल या क्रोम में जाएंगे। गूगल या क्रोम में जाने के बाद आपको सर्च कर लेना है माई आधार। तो माई आधार अगर आप सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने आएगा माई आधार UIDIGovernment.in। इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है, सर्च कर लेना है। ये टाइप करके सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आप जो है मेरा आधार में आ जाएंगे। अब आपको आगे यहाँ आना है। देखिए अब यहाँ आपको करना क्या है, ठीक है, सिंपली अब देखेंगे इस प्रकार से आप आएंगे, ठीक है। तो नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा, देखिए दस्तावेज अद्यतन, डाउनलोड आधार, ठीक है, उसके बाद ईमेल, मोबाइल नंबर सत्यापित, वर्चुअल आईडी जनरेट, लॉक अनलॉक आधार, बैंक सीडिंग स्थिति। देखिए ये आपको देखने को मिलेगा बैंक सीडिंग स्थिति। अपनी बैंक सीडिंग स्थिति जानने के लिए यहाँ क्लिक करें तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपको करना क्या है, सिंपली देखिए लॉग इन टू आधार वाया OTP, ठीक है, OTP से मतलब आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ठीक है, तभी तो OTP जाएगा। अब आपको अपना यहाँ आधार नंबर सिंपली फिल डाल लेना है, ठीक है। आधार नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है इस कैप्चा कोड को इंटर कैप्चा कोड के प्लेस पर टाइप कर लेना है, ठीक है। ये दोनों करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, लॉग इन विथ OTP पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो पहले हम अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डाल लेते हैं। देखिए हम अपना आधार नंबर और ये जो गिवन कैप्चा है इस कैप्चा को यहाँ फिल कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, लॉग इन विथ OTP पर क्लिक करेंगे। ओके, आप लॉग इन विथ OTP पर क्लिक करें, इस प्रकार से क्लिक करेंगे। देखिए आपके मोबाइल पर OTP आएगा, इस OTP को फिल कर लेना है, ठीक है, सक्सेसफुली जनरेटेड वन टाइम OTP। अब OTP जो आया है उसको आपको फिल करना है। देखिए इस प्रकार से OTP आया है 42 80 03। अब क्या करना है, यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके आधार का ID जो है ओपन हो जाएगा इस प्रकार से, देखिए, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपका जो है आधार ID ओपन हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं आपका पिक दिखेगा, यहाँ आपका साइड में फ़ोटो दिखेगा। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना है, दस्तावेज अद्यतन, आपको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, डाउनलोड आधार, ठीक है, उसके बाद आधार PVC कार्ड ऑर्डर करें। अब देखिए बैंक सीडिंग स्थिति, अब पुनः इसी पर आना है आपको वापस और क्या कर लेना है, क्लिक करना है वहीं पास, ठीक है। अब देखिए उसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है, किसको, पुनः आपको बैंक सीडिंग स्थिति चेक करना है। अब देखिए इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपके बैंक सीडिंग की स्थिति आ जाएगा, ठीक है। देखिए नीचे आते हैं, आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, इस प्रकार से देखिए स्क्रॉल करेंगे तो आपका आधार संख्या दिखाई देगा, ठीक है, आधार संख्या आपका लास्ट 4 डिजिट दिखेगा। अब देखिए बैंक का नाम कौन सा बैंक में, तो देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड, ठीक है, एयरटेल पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। अब आपका जो भी बैंक रहेगा बैंक से आधार सीडिंग रहेगा, ठीक है, यहाँ दिखाई देगा। उसके देखिए यहाँ लिखाएगा बैंक सीडिंग स्थिति क्या दिखाई देगा, आपको सक्रिय दिखाई देगा, ठीक है, सक्रिय दिखाई देगा मतलब आपका हो गया है, और बैंक का नाम दिखाई देगा, कब हुआ देख सकते हैं आप 12/6/2017 को, लिंक के माध्यम से प्रदान की गई, ठीक है, जानकारी इस प्रकार से इसमें इनके बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। इसमें जो आधार
आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये रहा बैंक आधार सीडिंग की स्थिति। तो आप भी बैंक आधार सीडिंग की स्थिति देख सकते हैं, आप यहाँ देखेंगे आप बधाई हो आपका आधार बैंक मानचित्रण हो चुका है, ठीक है, इस प्रकार से तो आप देख सकते हैं। तो यही अपडेट आप लोगों तक शेयर करना था। अब दोस्तों सवाल यह है कि अब 8 तारीख को नहीं आएगा पैसा तो कब आएगा? तो 8 तारीख को नहीं आएगा दोस्तों, पहले 7 तारीख तय हुआ था, अब उसके बाद दोस्तों 8 तारीख को फिक्स पहले था, फिर 7 तारीख किया गया था, अब 7 तारीख को भी नहीं आएगा तो 10 या फिर 11 तारीख को आएगा, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया जा रहा है, उसके साथ उस कार्यक्रम रखा जाएगा, फिर जो है आपके अकाउंट में 1000 रुपये ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अब 8 तारीख को नहीं आएगा तो 10-11 तारीख को जो है आपके अकाउंट में 1000 रुपये आ जाएगा, यदि आप महिला हो तो, और आप मातृ वंदन योजना के लिए पात्र हो तो थोड़ा इंतज़ार करिए और आप चेक कर लीजिए, ठीक है, अपने बैंक आधार सीडिंग की स्थिति। यदि बैंक आधार सीडिंग की स्थिति आपका सक्रिय नहीं है तो आप जो है दोस्तों जा करके चेक कर सकते हैं। कहाँ जा करके चेक करो मतलब करा सकते हैं? अपने बैंक जहाँ बैंक अकाउंट है वहाँ जा करके आधार सीडिंग आप जो है करा सकते हैं। तो दोस्तों यही अपडेट आप लोगों तक शेयर करना था। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।